सड़क दुर्घटना में जख्मी होने पर मंगलवार को अस्पताल में भर्ती हुआ था युवक। अस्पताल प्रबंधन पर सौजन उठाए सवाल, SDPO बोले हर पहलू की होगी जांच। उदा किशनगंज अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन की एक और लापरवाही सामने आया है। अस्पताल में भर्ती युवक कुणाल मिश्रा का झाड़ी में शव मिला। युवक नगर परिषद वार्ड संख्या 4 के संजय मिश्र का पुत्र बताया गया है। उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलने पर सौजन पहुंचे। सौजन ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना पर उदा किशनगंज के SDPO अविनाश कुमार और थाना की पुलिस पहुंची। SDPO अविनाश कुमार ने कहा कि हर पहलू की जांच की जा रही है। युवक की मौत कैसे हुई ये रहस्यमय बना हुआ है। युवक के शव को लेकर फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अस्पताल के तीसरी मंजिल पर से किसी ने हत्या के नियत से युवक को धकेल दिया या फिर युवक ने खुद छलांग दी। पूरा वाक्या जांच का विषय बना हुआ है। पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल युवक की मौत सौजन सदमे में है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बताया जाता है कि मंगलवार को उदा किशनगंज मधेपुरा मार्ग पर HP पंप के पास बाइक और साइकिल के टक्कर में दो युवक जख्मी हुए थे। पुलिस ने दोनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए मंगलवार की रात्रि को लाया, जहां चिकित्सक ने साइकिल सवार युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे मधेपुरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि बाइक सवार युवक को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। दुर्घटना के बाद उदा किशनगंज पुलिस स्थल पर पहुँच कर जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया। जख्मियों के बाइक और साइकिल को जब्त कर थाने ले गई। सौजन को बुधवार को पता चला कि जख्मी युवक अस्पताल में नहीं है। उसके बाद खोजबीन करने पर युवक का शव अस्पताल के पीछे झाड़ी में मिला है। सौजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए पुलिस प्रशासन पर जमकर भड़ास निकाली। बड़ी बात यह है कि जख्मियों को अस्पताल पुलिस ने पहुंचाया। यद्यपि एक जख्मी जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है उसका नाम रजिस्टर पर अंकित किया गया है, जबकि दूसरे युवक कुणाल मिश्रा का नाम अस्पताल के पंजी में अंकित नहीं किया गया है। जबकि पुलिस जख्मियों के गाड़ी को जब्त कर थाने ले गई। ऐसे में सवाल अस्पताल और पुलिस प्रशासन दोनों ने सौजन्य कर रहे हैं। इस स्थिति की जानकारी मिलने के बाद SDPO अविनाश कुमार अस्पताल पहुंचकर सौजनों से बातचीत की। SDPO ने सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। अस्पताल में रात्रि के समय ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक एवं एंट्री पंजी को अवलोकन किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर रुपेश कुमार का कहना है कि युवक नशे की हालत में था। पुलिस कार्यवाही के भय से युवक ने छत पर चढ़ने के बाद पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, जहां गिरने से मौत हो गई। इसमें अस्पताल प्रशासन पर आरोप मढ़ना सही नहीं है। सर, रात में इतनी रात में भर्ती किया गया और एंट्री भी तक नहीं हुई। जब पुलिस बताया जा रहा है सर, प्रशासन के द्वारा मोटरसाइकिल जो है थाना पर ले जाया गया, उसके बावजूद सर उसकी एंट्री है। मर जाने के बाद घर वाले को सूचना मिलता है सर, भाग गया आपका पैसा। डॉक्टर का मोबाइल नंबर भी सारी बिंदुओं पे जांच हो रही है। जी जी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है सर, गाड़ी थाना में जब्त है, पुलिस एक्सीडेंटल को यहाँ लाया सर, और एंट्री पुलिस के द्वारा नहीं करवाया गया, ये तो बहुत बड़ी जवाबदेही है ना सर।